अखिलेश यादव ने दिल्ली जहां पूरी के बुलडोजर चलाना जाने पर कहा कि बीजेपी को बुलडोजर को ही अपना प्रतीक चिन्ह बना लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बुलडोजर को अपनी गैरकानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक बना लिया। मुसलमान व अल्पसंख्यक पिछड़ा दलित इनके निशाने पर हैं। बकौल अखिलेश बीजेपी संविधान पर ही बुलडोजर चला रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नफरत के बुलडोजर वाले बयान पर कहा कि राहुल गांधी नफरत की बीज बो रहे हैं और देश का नाम खराब कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिनका इतिहास भ्रष्टाचार और दंगों से जुड़ा है उनसे ऐसे ही बयानों की उम्मीद कर सकते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसले पाटिल ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बाद हमारे पास महाराष्ट्र में माहौल खराब करने की इनपुट है। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया गया है। बकौल मंत्री राज में पिछले कुछ दिनों से शांति भंग करने का काम शुरू हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि प्रशांत किशोर देश के एक ब्रांड बन गए हैं। उन्होंने कहा 2014 में एनडीए के साथ फिर नीतीश कुमार और पंजाब में कांग्रेस के साथ कई अन्य लोगों के साथ भी रहे हैं, इसलिए उनका अनुभव विपक्ष को एकजुट करने में काम आ सकता है। CPIM की नेता वृंदा करात बुधवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को रोकती नजर आई। एक वीडियो में करात को बुलडोजर की कार्रवाई को रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिखाते देखा जा रहा है। दरअसल बुधवार को नॉर्थ MCD में जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलडोजर भेजे थे। जहांगीर में अतिक्रमण अभियान पर RJD ने कहा, गरीबों के घर गिराना आसान है मोदी जी, हिम्मत है तो उन मोबाइल टावरों पर बुलडोजर चलवा कर दिखाए जो आपके चीनी दोस्त ने हमारी सरजमी पर खड़े किए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, बुलडोजर जाति धर्म देखकर चलाए गए राष्ट्र की एकता अखंडता और संविधान का भी चिंता करें। शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार को कहा कि मोदी सरकार को लॉजिस्टिकों के इस्तेमाल पर एक राष्ट्रीय नीति लेकर आनी चाहिए और इसे पहले बिहार दिल्ली और गुजरात में सख्ती से लागू कराना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी आपके लोगों ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा किया, इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति की जरूरत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि PM सांसदों को बुला बुलाकर कहते हैं कि कानून तोड़ो, लोगों को भड़काओ। गहलोत ने आगे कहा कि सत्ता पक्ष का काम है जो हिंसा कर रहा है उसे रोको और प्रयास करें कि किसी भी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाने पर कहा कि इससे भारत के संविधान मूल्यों को ध्वस्त किया जा रहा है। बकौल राहुल, सरकार गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है, बीजेपी को इसके बजाय अपने दिल में नफरत को दूर करना चाहिए। राहुल ने संविधान के साथ एक बुलडोजर की तस्वीर भी शेयर की है। कवि कुमार विश्वास के घर पहुंचने के बाद पंजाब पुलिस कांग्रेस नेता अलका लामा के घर पहुंची है। इससे पहले कुमार विश्वास के घर पुलिस के पहुंचने पर लामा ने ट्वीट किया, अब समझ में आ रहा है कि आपको पुलिस क्यों चाहती थी। बीजेपी की तरह अपने विरोधियों को डराने और उनकी आवाज़ दबाने के लिए थोड़ी तो शर्म करो केजरीवाल जी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि देश में दंगे रोकने हैं तो बीजेपी मुख्यालय और गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री खुद के ये दंगे करवा रहे हैं और अगर बुलडोजर चलाना है तो उनके घर पर चलाए, उससे दंगे रुकेंगे। पंजाब पुलिस के कवि और पूर्व आप नेता कुमार विश्वास के खिलाफ दिल्ली में के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानी संबंध होने के दावे के बयान को लेकर रूपनगर में केस दर्ज हुआ है। वहीं विश्वास ने बुधवार को उनके घर पर आई पंजाब पुलिस की तस्वीर शेयर कर लिखा है कि केजरीवाल एक दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी धोखा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।